अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पलपल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूँ आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जो लोग चैनल पर जंग के दौरान मेरे साथ बने हुए हैं, तो शुरुआत में मैंने ये साफ तौर पर कहा था कि इस जंग में अगर किसी का राजनीतिक जनाजा निकलेगा तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू। अगर इस जंग में किसी का राजनीतिक जनाजा निकलेगा तो वो है जो बाइडेन, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आना शुरू हो गई है, जहां बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी हार को साफ तौर पर स्वीकार कर लिया है और इसको खास तौर पर ऐलान किया गया है अमेरिकन मीडिया फॉक्स न्यूज पर बैठ करके, जहां बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ तौर पर कहा कि अगर हम हमास को नहीं हरा पाए तो अगला निशाना अमेरिका और यूरोप के देश होंगे, और अगर हम हिजबुल्ला को नहीं हरा पाए तो अगला निशाना अमेरिका और यूरोप के देश होंगे, और अगर हम यमन के हुतीस को नहीं हरा पाए तो अगला निशाना अमेरिका और यूरोप होंगे। अब सोचने वाली बात यह है और सर पर माथा पीटने की जरूरत है कि आखिरकार इतनी बड़ी वाली ताकत होने के बावजूद, इतना बड़ा वाला सुपर पावर अमेरिका होने के बावजूद, यह शख्स इंटरनेशनल टेलीविजन पर साफ तौर पर कह रहा है कि अगर हम हमास को नहीं हरा पाए तो। ये तस्वीरें दुनिया के सामने हैं कि किस कदर अपनी राजनीतिक हार और हमास की हार को अब धीरे धीरे स्वीकार करने लगा है बेंजामिन नेतन्याहू। इसी से जुड़ी कुछ खबरें जो हैं वो आपके सामने रखूंगा और ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से झूठ पर उसने का काम जो है इजराइल डिफेंस फोर्स भी कर रहा है, जहां तमाम बड़ी तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, और किस तरीके से इजराइल के एलियट शहर पर ड्रोन घूमे हैं जिससे इजराइल में हड़कंप मचा है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा ये वीडियो के किस तरीके से एलियट शहर पर ये ड्रोन जो है वो लगातार घूमते हुए दिखाई दिए, और सिर्फ ड्रोन ही नहीं बल्कि गाजा के अंदर जिस तरीके से हॉस्पिटलों को निशाना बनाया जा रहा है, ठीक वहीं के डॉक्टर जो हैं इसराइल के खिलाफ मार्च करते हुए नजर आए, जहां लोग कब्जा कब्जा चिल्ला रहे हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा ये वीडियो कि किस तरीके से गाजा के अलमहरी जगह का नाम है, जिस जगह पर डॉक्टरों ने खास तौर पर यह एहतजाज किया इसराइल के खिलाफ, और यही अमेरिकन मीडिया पर बैठ करके किस तरीके से तमाम बातें बेंजामिन नेतन्याहू ने रखी हैं वो आपके सामने हैं कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सेड दैट इफ इजराइल डज नॉट डिफेक्ट हमास अमेरिकन इन यूरोप विल बी द नेक्स्ट टारगेट। अगर हम हमास को नहीं हरा पाते हैं तो। ये इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा मौसाद, इतना बड़ा आयरन डोम, उसके बाद शख्स जो है ये कबूलनामा फॉक्स न्यूज पर बैठ करके दे रहा है कि अगर नहीं हरा पाते हैं तो, इफ वी डोंट विन नाउ देन यूरोप इज नेक्स्ट, यू आर नेक्स्ट, वी हैव टू विन, नेतन्याहू सेड इन इंटरव्यू विद द अमेरिकन फॉक्स न्यूज। नेतन्याहू सेड देयर इज नो सब क्यूट फॉर दैट विक्ट्री, और अगर हम नहीं जीत पाते हैं तो। जहां बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी खुली आंखों से सपना देखा था कि वो हमास को जंग लड़ेंगे और हमास से जंग जीत जाएंगे, बड़े बड़े दावे किए थे, महज चुटकी में मसल करके रख देंगे और यहां चुटकी बजाए उधर हमास खत्म, यही इजरायली मीडिया कसम खा रहा था, बाइडन की कसम हमास को कर देंगे खत्म, और अब इंटरनेशनल मीडिया पर बैठ करके ये बोल रहा है कि अगर हम नहीं हरा पाए तो।
नेक्स्ट टारगेट अमेरिका और यूरोप होंगे, क्योंकि ये अपनी इस हार को स्वीकार कर चुका है। कब इसके रिजल्ट सामने आएंगे वो भी दुनिया के सामने बहुत जल्द तस्वीरें आ जाएंगी, क्योंकि ये मेरा नहीं बल्कि खुद बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है। नेतन्याहू कॉल्ड हमास, हिजबुल्ला एंड यमन हूती एक्सिस टेरर डायरेक्ट बाय ईरान। अगर ये दावे लगातार बेंजामिन नेतन्याहू कर रहा है, इजराइल डिफेंस फोर्स कर रहा है कि ईरान भड़काने की कोशिश कर रहा है, हमास को हवा भरी, खासतौर पर हिजबुल्ला को हवा भर दी, यमन के हूतीस को हवा भर दी, तो कर दीजिए चढ़ाई ईरान पर। किसने रोका है? गाजा पर भी आप बमबारी कर रहे हैं, लेबनान पर भी बमबारी कर रहे हैं, करिए ईरान पर चढ़ाई, क्योंकि ईरान ने साफ तौर पर बोला है कि हम पर हमला हुआ तो छोड़ेंगे नहीं, और हम इस जंग में तो मरेंगे ही मरेंगे, पर आपको भी लेकर के इस जंग में मरेंगे। तमाम बातें जो हैं लगातार ईरान के खिलाफ चल रही हैं। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने हैं कि कैसे अपनी राजनीतिक हार को ये स्वीकार कर चुका है कि अगर हम हमास को नहीं हरा पाए तो। सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू नहीं, इसराइल डिफेंस फोर्स जम करके झूठ पर उसने पर लगा हुआ है, जहां बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं 3000 हमास के ठिकानों को तबाह बर्बाद कर दिया। क्या तबाह हुआ है गाजा में, उसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। आप देख सकते हैं कि यह तस्वीर को साझा करके बताया गया, वीडियोग्राफी कराई गई और बताया गया। डेनियल हगारी, बड़े चीफ इसराइल डिफेंस फोर्स के, उन्होंने दावा किया कि हमने हमास के जो है उसको कब्जा कर लिया है और हमास के ट्यूनल को हमने खत्म कर दिया है। असल में जो तस्वीर को दिखाया गया इनके द्वारा वो एक हॉस्पिटल की तस्वीर है, जिसे इन्होंने हमास का ठिकाना बता दिया। ये सही तस्वीर सामने आई और इसको ये दिखाने की कोशिश की गई, जो कि गलत पाई गई बाद में। किस तरीके से झूठ परोसने का काम इसराइल डिफेंस फोर्स द्वारा किया जा रहा है वो भी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। पर यही जमीनी जंग में भी मुंह की खानी पड़ रही है और कई सैनिक जो हैं वो ढेर पर ढेर होते जा रहे हैं इसराइल के, जहां आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं कि एक सैनिक के बारे में तमाम तस्वीरें सामने हैं, जो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 10-15 लोग मरे हैं। वहां झड़ी लग चुकी है, जो कि इसका खुलासा इंटरनेशनल मीडिया ने भी किया और बताया कि फौदा प्रोड्यूसर किल्ड इन गाजा ए प्रोडक्शन क्रू मेंबर हु वर्क्ड ऑन द नेटफ्लिक्स ड्रामा सीरीज फौदा वाज किलिंग फाइटिंग हमास इन नॉर्थ गाजा ओवर द वीकेंड। एक ड्रामा बनाने वाले लोगों को जमीनी जंग पर भेजा गया, जहां उन लोगों की सनक सवार थी कि हमास को खत्म करके आएंगे, और अंत में तस्वीर आपके सामने है, क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क होता है। बड़े बड़े एक्शन ड्रामा सीरीज बनाने वाले प्रोड्यूसर को भी ढेर कर दिया गया, जिसका तमाम जिक्र दुनिया के सामने है, जो कि ये तमाम चीजें जो है खुद खुलासा किया गया है इसराइल डिफेंस फोर्स द्वारा। तो वहीं 2 more IDF सोल्जर किल्ड इन गाजा, जो एक का नाम रोई मोरम जो कि 21 साल का था, एक मेजर रेज अब्दुल्फिया जो कि 27 साल का था, दोनों को हमास ने जमीनी जंग में ढेर करने का काम किया है, जिसकी तमाम तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही है कि कैसे बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी हार को स्वीकार किया है, तो वहीं इसराइल डिफेंस फोर्स जम करके झूठ बोल रहा है, और कैसे एक के बाद इजरायली सैनिकों की मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।